हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन के बारे में बात करने से पहले हम किडनी के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किडनी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। बेसिकली ये एब्डोमेन के पीछे और स्पाइन की दोनों तरफ होता है। बेसिकली इसकी फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड को प्योरीफाई रखता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है होते हैं वो यूरिन के थ्रू पास आउट करवाता है। अब बात करेंगे किडनी स्टोन होते किस वजह से हैं, तो इसका मेन जो कारण है वो लो यूरिन वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होता है तो जो सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं और वो क्रिस्टलाइज फॉर्म हो जाते हैं। उस वजह से ये स्टोन धीरे धीरे स्टोन फॉर्मेशन होने लग जाता है और ये किडनी में इकट्ठे होने लग जाते हैं। हालांकि ये किडनी में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं पर ये पेन नहीं करवाते हैं, बट जब ये फॉर्मेशन इनका बड़ा हो जाता है तब ये कहीं जगह आपको पेन फॉर्म करवाते हैं। और ये अगर किडनी से यूरेटर में पास हो गए और या फिर यूरिन ब्लैडर में अगर ये ब्लॉक हो गए तो वहाँ पे आपको पेन करवाते हैं। अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो बेसिकली सिम्टम्स में जब पेशेंट आपके पास आएंगे तो वो एब्डोमेन पेन लेके आएंगे आपको, जब ऐसे फ्लैंक पेन यानी कि आपको पीठ के पीछे आपको पेन उनको लगेगा। इसके अलावा वो आपको बोलेंगे कि यूरिन उनको रुक रुक के आ रहा है या फिर उनको यूरिन में ब्लड आ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे किडनी स्टोन के चार प्रकार होते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट, सिस्टीन, स्ट्रोवाइट और यूरिक एसिड स्टोन। हालांकि कैल्शियम ऑक्सालेट काफ़ी कॉमन है 80%। कैल्शियम ऑक्सालेट का मेन कारण है कि ये कैल्शियम की सप्लीमेंट्स की ज़्यादा वजह से या फिर आप जो ऑक्सालेट रिच फूड्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसकी वजह से होता है। तो उसमें आपके ऑक्सालेट रिच फूड्स में आ गए हैं आपके स्पिनच और आप कैल्शियम का सप्लीमेंट्स ज़्यादा ले रहे हैं, उस वजह से होता है। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रोवाइट स्टोन किस वजह से होते हैं, तो ये बेसिकली फीमेल्स में होते हैं और ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। यूरिक एसिड की स्टोन की बात करें तो ये गाउट यानी गठिया की वजह से होते हैं और या फिर यूरिन जब एसिडिक हो जाता है उस वजह से होते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो सिस्टीन स्टोन होते हैं वो बेसिकली जेनेटिक कंडीशन की वजह से होते हैं। अब जो भी स्टोन हो रहे हैं उनको हमें पकड़ना कैसे है और ठीक कैसे करना है वो बात करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए हम बेसिकली जब हॉस्पिटल में देखते हैं तो हम बेसिकली पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उनका, उसमें उनको स्टोन का हमें पता लग जाता है कहाँ पर किस जगह स्टोन है और कितने साइज़ का स्टोन है। इसके बाद बात करेंगे अगर आपको स्टोन पता लग गया तो कब सर्जरी करवानी चाहिए कब नहीं करवानी चाहिए। तो अगर आपका स्टोन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको सर्जरी की आवश्यकता है। अगर आपका स्टोन 4 to 5 mm है और उसके अराउंड है 4 to 5 mm, तब आपको जो मेडिकेशन देते हैं हमारे डॉक्टर और आपको वो मेडिकेशन में आपके आ गए अल्फा ब्लॉकर यानी टाइमसिलोसिन। इसके अलावा आपको पानी की अमाउंट ज़्यादा पीने के लिए कहते हैं। उसके साथ साथ आपको जो डाइट में ध्यान रखना है वो बात करते हैं। तो डाइट में आपको बेसिकली आप पानी के साथ नींबू, अगर आपको पानी पीना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप पानी नींबू पानी पिया करें। वो आप बेसिकली आपका जो डाइल्यूट जो स्टोन्स अपने सॉल्ट्स के साथ डाइल्यूट होके पास आउट हो जाते हैं। इसके अलावा जो खाने में आपको ध्यान में रखना है वो आप लो सॉल्ट डाइट खाएँ, जो आप प्रोटीन रिच खा रहे हैं उन्हें कम करें। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप जो मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, सी फूड्स खा रहे हैं, उनको आप अवॉइड करें, खाना ये बंद करें। इसके अलावा जो आपको खाने में ध्यान रखनी चाहिए वो है आप आलू प्याज, आप केला, वाटरमेलन। तो यही थी बातें किडनी स्टोन के बारे में, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किडनी स्टोन किस प्रकार से हैं, ये सब जानकारी आपको दी है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जो किडनी स्टोन से ग्रसित हैं उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचाए और उनको अवेयर करें। धन्यवाद।